नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के उज्जैन के बड़नगर SDM ने पंचायत को लेकर निर्धारित समय बैठने के आदेश दिए। सचिव सहायक सचिव पटवारी को निर्धारित समय पर बैठने के निर्देश दिए गए हैं। हम आपको ग्रामीण पंचायत के मुद्दे को लेकर रूबरू करवा रहे हैं। अगर हम बात करें तो बड़नगर शहर में SDM के आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियां। बड़नगर शहर के SDM आकाश सिंह का आदेश था कि बड़नगर की ग्रामीण पंचायतों में सोमवार गुरुवार दो दिनों तक सचिव GRS पटवारी को बैठना अनिवार्य है, जिसका समय निर्धारित सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रहेगा। पर अभी तक कोई भी ग्रामीण पंचायत के अधिकारी आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। वास्तव अगर देखा जाए तो शासन की ओर से सचिव सहायक सचिव पटवारी इन सभी को 30 दिन का पेमेंट दिया जा रहा है। अगर पंचायत दो दिन बैठने की बात करे तो एक महीने में 8 दिन भी अपने समय से निर्धारित नहीं बैठ पा रहे हैं। और बड़नगर SDM के आदेश को ग्राम पंचायत अधिकारी की ओर निर्धारित समय के आदेश को नकारा जा रहा है और बड़नगर SDM के आदेशों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। ग्रामीण पंचायत क्षेत्र के सचिव सहायक सचिव पटवारी ड्यूटी करने में लगातार कर रहे हैं अपनी मनमानी। वहीं बड़नगर SDM आकाश सिंह ने मीडिया के सामने जानकारी देते बताया कि ग्राम पंचायत के सचिव सहायक सचिव पटवारी इन सभी को ग्रामीणों की सुविधा को लेकर हफ्ते में दो बार पंचायत में बैठना अनिवार्य है, सोमवार और गुरुवार, जिससे ग्रामीण जनों को अपने कार्य को लेकर सुविधा मिल सके। SDM आकाश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, अब देखना होगा कि बड़नगर प्रशासनिक अधिकारी इन पंचायती अधिकारी सचिव सहायक सचिव पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या फिर यूं ही हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बड़नगर संवाददाता जितेंद्र चागेसिया की रिपोर्ट। शासन के स्पष्ट दिशा निर्देश रहते हैं कि आपके सप्ताह में दो दिवस सोमवार और गुरुवार को जमीनी अमला जो हो गया, जैसे सचिव हो गया, GRS हो गया एवं पटवारी हो गया, तो इन लोगों को अपने ग्राम पंचायत में एवं ग्राम पंचायत भवन में रहकर जो है कार्य करना चाहिए, जिससे जो भी ग्राम के जो लोग हैं उनको अगर जो भी काम है, चाहे जमीन को लेके हो, चाहे पंचायत के जो विभिन्न कार्य होते हैं उनसे संबंधित हो, तो उनसे संपर्क कर सकें, वहाँ पे जा सकें। एक निर्धारित रहता है तो ग्रामवासियों के लिए भी सुविधा रहती है, तो वहाँ पे उनको रहना चाहिए।